राज्य सरकारों पक्षर गरीब गृहहीन एवं सरकार जमी अधिग्रहण करीबी परिवार को गृह डीह जोगाई देवा निमंते प्रस्तुत योजनारु बात पड़ी रायगढ़ जिला गुणपुर म्युनिसिपालिटी अंतर्गत सबर विहार बास करुवा गरीबी ब्राह्मण पूर्णचंद्र दास परिवार रायगढ़ जिला गुणपुर सहरांचल वर्तमान सबर विहार अंचल दीर्घ 15 वर्षर ऊर्ध एव सरकारी जमि में घर टीए कर बास कर पूर्णचंद्र परिवार जड़े ग्रीन कार्ड धारी परिवार स्थान में घर टीए करने सरकार पक्षर तत्कालीन तहसिलदार यह जमिटे अधिग्रहण पूर्णचंद्र से सरकारी खंजना बांधि आसुंट सरकार जमी अधिग्रहणकारी नाम से जमी पट्टा न करने उद्देश्य सरकार पक्षर सिट्रेन कंपनी मध्यम ड्रोन कैमेरा द्वारा यह अंचल फोटो उठाइबा कार्यक्रम ग्रहण करा जा फोटो गुड़िक जिलापा गुणपुर म्युनिसिपालिटी को आसवापर उषा कंपनी जड़े प्रतिनिधि घर गुड़िक सर्वे करते समय उक्त फोटो उठाए पूर्णचंद्र घर फोटो उठी नथिबा जानिपारी से तत्कालीन उपजिलापाल श्री अमृत रुद्राज द्वारस्थ हो गुहारी करते उपजिलापाल निर्देश क्रमे म्युनिसिपालिटी अधिकारी श्री पूर्णचंद्र घर सर्वे करने सर्वे चिरकुट रसीद्र नंबर 225 क्रमिक क्रमे नाम बस्तीवासी सर्वे रिपोर्ट रही तहसील कार्यालय पक्षर सबर विहार गृहगुड़िक मपाजा समय पूर्णचंद्र बसती गृह मपा जा यार परिसीमा 70 स्क्वायर फुट लंब एवं 10 फुट ओसार भाव माप निर्धारण किंतु रेकर्ड कर समय केवल यहाँ व्यवहृत लाट्रीन परिसीमा 62 स्क्वायर फुट को नमोद करवशिष्टांश को रेकर्ड्रु बाद पूर्णचंद्र अभियोग कर रामनगुड़ा ठारे अनुष्ठित जिलापाल अभियोग शुणा प्रकोष्ठ से भेटी उक्त घटना को उपस्थापन कर एक लिखित अभियोग क्रमे पुनरपि गुणपुर तहसील कर्मकर्ता सबर विहार ठारे पहुंची पूर्णचंद्र बसती घर माप कर 40 फुट लंब 10 फुट 2 इंच ओसार दर्शाई बारंबार प्रशासन निकट को दौड़ा पूर्णचंद्र को पट्टा प्रदान करिबारे जिलाधिकारी और स्थानीय प्रशासन अहेतुक विलंब और चक्रांत करुवा पूर्णचंद्र अभियोग कर आगामी दुई मास मध्यरे एने जदि जिला प्रशासन कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण न करती तेज पूर्णचंद्र प्रशासनिक कार्यालय सम्मुखें आत्माहुति देवे चेतावनी देखते। आज को दीर्घ 15-16 वर्ष हम आज्ञा ये जगार मुझे घर टिके आसी यहाँ हूँ गवर्नमेंट लैंड आज्ञा मुझे गोटे ग्रीन कार्ड करी मु बहुत दिन पूर्वे रायगढ़ जिलापाल आवेदन करी मत जगह टी दि जाऊुजाई से गुणपुर तहसीलदार गोटे अर्डर करते तहसीलदार आडिशनाल तहसीलदार रामकृष्ण बाबू को कही रामकृष्ण बाबू आसी जगह मत देखे ये मुझे घर टिके रही थी ए मध्यरे 2012 मसीहा आज्ञा सरकार मो पर जहाँ पेनाल्टी पकाउं वर्षके देढ़ वर्षके दुई वर्षके मु उक्त पेनाल्टी बांधि आसमती समय वर्तमान राज्य सरकार ए जो भू सहरांचल बस्ती बासिंदा गृहहीन लोक मान घरपटा जोगाइ देवाई गोटे योजना प्रणयन कले उक्त योजना ना सहरांचल गरीब स्थायी बस्ती बासिंदा गृहहीन पट्टा बंटन योजना से ही हिसाब से मोर बस्ती सबर विहार बस्ती समस्त लोक जिते जन व्यक्ति ये अच्छा समस्त रेकर्ड कर मो घरटा को चक्रांत कर जितेबाला ड्रोन कैमेरा आसिक फोटो उठेला से समय चक्रांत कर फोटो उठा जाए मुझे जो कम्प्लेन कली सब कलेक्टर अफिस् जाकि सब कलेक्टर पाखे से सब कलेक्टर गोटे म्युनिसिपालिटी अर्डर कले उषा कंपानी कंट्राक्टर जरिया मो घर को सर्भे कले सर्भे क्रमिक नंबर थी 225 सर्वे करवापर तहसिलदार आर आई आसी आज्ञा घर गुड़ाक मापचुप कले से ही समय आज्ञा से 70 फुट लंब ओसार 10 फुट ए हिसाब से मापी ने परवर्ती समय से माने केवल खाली रेकर्ड कले मो घर पटे थी बारिपट लेट्रीनटार 62 मात्र 62 स्क्वेयर फुट जे आजिका आज्ञा 62 स्क्वेयर फुट भितर मध्य जन घर द्वार कर बसवास कर गोटे फैमिली रही पारे मो घरटा को छाड़ देते कहीं कौन पर मो घरटा को बारंबार छाड़ दौरान आज्ञा मुझे थर जिला प्रशासन कलेक्टर सब कलेक्टर तहसीलदार म्युनिसिपालिटी एक्जिक्यूटिव अफिसर एम पाखु गले नयान तो सारे मिनिमम 50 थर अधिक जाइए आज्ञा ये अफिस् मानक मत केवल से हरासमेंट कर रही मो घरटा को टोटाल रेकर्ड कर अवस्था नहाँ मुझे शुणी पारे मत भविष्य जगार उठे एटी पुणी
ମୋତେ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଜାଗା ଦେବେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେବେ। ମୋତେ ଜାଗାରୁ ଉଠାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ବୟସ ମୋର 60, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା ବଳ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର, ଲେଟ୍ରିନ୍, କୂଅ, ଆଉ ଏ ଘର ଚାରିପଟେ ମୋର ଆମ୍ବ ଗଛ, ବାଲିଆ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଲିଚୁ ଗଛ, ଜାମ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସପଟା ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ଯାହା ଫସଲ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ମୋର ଆଉ ବଳ ବୟସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେଉଁଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବି କି ବଞ୍ଚିପାରିବି? କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି, ପୁରୋହିତ କାମ ହେଲା ମୋର ଜୀବିକା। ଏଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋତେ ଏଇଠୁ ଏ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସଲା ସୁତୁରା କରି ଆଉ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ମୋତେ ଏଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉଠେଇ ଦେବାର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କଲି, ମୋ ଦାବି କିଏ ଶୁଣିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗରେ ଦାବି କରୁଛି, ମୋ ଦାବି ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବେନି, ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ଏ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସେ ଖବର ଶୁଣିକିରି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏହି ଗରିବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ଶକ୍ତି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।